हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड्स के बीच में होने वाला सुपर 12 का 40th मैच के बारे में। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं 5 ग्रैंड लीग टीम बना के रख चुका हूँ। अभी 6th ग्रैंड लीग टीम आपको मैं बना के दिखाऊंगा भाई। यहाँ पर कौन कौन सा अपडेट आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर। तो अभी हम 6th ग्रैंड लीग टीम बनाएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप जान लीजिएगा। पिच बैटिंग के लिए फेवरेबल है, गुड फॉर फेस बॉलर्स है। एवरेज स्कोर यहाँ पर 150 से 160 170 रन तक जा सकता है अगर साउथ अफ्रीका पहला बैटिंग कर लेते हैं तो। यहाँ पर वेन्यू की बात करें, एडिलेड स्टेडियम में खेला जाएंगे भाई, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। आप सभी को पता है कि सारा मैचेस वहाँ पर सेम ग्राउंड पे, यहाँ पर एडिलेड पे ज़्यादा खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया टीम T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ पर एलिमिनेट हो गया सेमीफाइनल टीम के लिए। तो सुपर 12-1 से अगर बात किया जाए भाई, तो दो टीम क्वालिफाई हुआ, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। तो यहाँ पर अभी डिपेंड करता है सुपर 12-2 का। तो सुपर 12-2 में यहाँ पर तीन टीम क्वालिफाई हो सकता है भाई। एक पहला टीम है साउथ अफ्रीका, दूसरा टीम है भाई पाकिस्तान, और तीसरा टीम जो है भाई इंडिया। तो यहाँ पर ये तीन टीम है, यहाँ पर दो टीम क्वालिफाई हो गए। तो यहाँ पर नेट रन रेट के हिसाब से देखा जाए तो साउथ अफ्रीका नेट रन रेट काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ पर अगर नेदरलैंड्स को हरा देती है तो साउथ अफ्रीका टीम जो है भाई यहाँ पर डायरेक्ट पहुँच जाएगा नंबर वन पे। तो नंबर वन पहुँचने के कारण इनको इंग्लैंड के खिलाफ फेस करना पड़ेगा, उसके बाद पाकिस्तान और यहाँ पर इंग्लैंड के बीच में, सॉरी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होगा। तो पाकिस्तान जो मैच है भाई बांग्लादेश से खेलेगा, और इंडिया जो मैच है भाई जिम्बाब्वे से। अगर इंडिया जीत जाते हैं, अगर यहाँ पर साउथ अफ्रीका कल हार जाते हैं, तो इंडिया नंबर वन पोजिशन पर चला जाएगा। इससे क्या होगा भाई, इंडिया को ज़्यादा पॉइंट्स मिलेगा, और इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड से इंडिया ज़्यादा मैचेस हारते हैं। तो यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप में भाई कुछ हो सकता है। तो यहां पर आपको साउथ अफ्रीका टीम क्वालिफाई अगर होना तो ये मैच कंपलसरी इनको जीतना पड़ेगा, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि ये जो मैच है 5:30 बजे खेला जाएंगे भाई यहां पर। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आप जान लीजिए। तो पहले पॉइंट्स टेबल अगर जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। नेदरलैंड्स ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया भाई, ये सेमीफाइनल के लिए रेस में भी नहीं है। 4 मैच में 1 मैच जीते, 3 मैच हार के 6th पोजीशन पर रहा। और यहाँ पर वही साउथ अफ्रीका टीम की बात किया जाए तो 4 में से 2 मैच जीते हैं, 1 मैच हारे हैं भाई यहाँ पर, और 1 मैच बारिश की वजह से कैंसिल हुआ, इसलिए यहाँ पर इस टीम के पास 5 पॉइंट्स है। अगर ये कल मैच जीत जाते हैं तो भाई यहाँ पर 2 पॉइंट्स ऐड होगा, पूरे 7 पॉइंट ऐड होगा। अगर इंडिया टीम जीत जाते हैं तो पूरे 8 पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो इंडिया नंबर वन पर रहेंगे तो अच्छा रहेगा हम लोग को। तो यहाँ पर इंडिया कंपलसरी जीत सकते हैं, जिम्बाब्वे को हरा सकता है भाई। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आप इनको जरूर टीम पे रखेगा। एग्जाम्पल के क्विंटन डेकॉक है बैट्समैन में भाई, यहाँ पर आपको मैं डेविड मिलर को लास्ट मैच में बैठाया गया था पाकिस्तान के खिलाफ। तो यहाँ पर तो पहले लास्ट मैच में देख सकते हो साउथ अफ्रीका टीम ने लास्ट मैच यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ 33 रन से हार गया। वही नेदरलैंड्स की बात किया जाए तो लास्ट मैच में यहाँ पर जिम्बाब्वे को हरा के आ रहे हैं भाई 5 विकेट से। नेदरलैंड्स यहाँ पर जो एंडिंग होगा इनकी, तो अच्छा एंडिंग काफी सोचे, क्योंकि साउथ अफ्रीका को अगर हरा लेती है भाई तो यहाँ पर इनका जो मोटिवेशन रहेगा हाई लेवल से रहेगा। तो क्वालिफाई तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इनकी जो कॉन्फिडेंस होगा नेदरलैंड क्रिकेट बोर्ड जो है भाई और डेवलप होगा, क्योंकि आप बड़े टीम को हराते हो तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है। क्योंकि एग्जांपल के लिए जिम्बाब्वे ने जब पाकिस्तान को हराया तो यहाँ पर उनकी जो बोर्ड की मैनेजमेंट थी उनकी खुशी यहाँ पर ट्विटर पर देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर फैंस, इंडियन फैंस हो, ऑल ओवर वर्ल्ड फैंस ने पूरे कंग्रेचुलेटेड किया। तो इसी प्रकार नेदरलैंड्स भी चाहेगी कि यहाँ पर अपना बोर्ड को ज़्यादा डेवलप करें, क्योंकि नेदरलैंड्स जिम्बाब्वे वहाँ पर ज़्यादा काफ़ी क्रिकेट इतना मदद नहीं मिलता है। तो चाहेगी कि अगर बड़ा टीम को हराएंगे तो यहाँ पर सीरीज उनके लिए होगा। तो यही थोड़ा यहाँ पर नेदरलैंड्स के लिए फायदा रहने वाला है मैच जीतने से। तो यहाँ पर आपको कुछ प्लेयर्स हैं विकेट कीपिंग पर, डेकॉक, डेविड मिलर, उसके बाद यहाँ पर रिली रोसो भले लास्ट मैच में आउट हो गए यहाँ पर जल्दी, उसके बाद बास्ते लेडी यहाँ पर नेदरलैंड्स से इंपॉर्टेंट है, वेनी पार्नर को यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस है भाई इनके पास। उसके बाद आपको मैं वैन मेकरे नेदरलैंड्स के बेस्ट बॉलर है, कगिसो रबड़ा अभी तक इस सीजन में काफी अच्छे परफॉर्मेंस नहीं रखा, एंड्रिस नॉटी जी एक अच्छा प्लेयर है। तो यहाँ पर ये जो 8 प्लेयर्स हैं इनको जरूर टीम पर रखेगा। अभी भी 3 प्लेयर को पिक करना, लेकिन ये 3 प्लेयर को पिक करने से पहले भाई आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। अगर जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। अगर लिंक ओपन नहीं होता तो टेलीग्राम पे जाके आपको इस प्रकार सर्च कर लेना, @shatrughn225 जाके अगर सर्च करोगे तो आपको मेरे चैनल से हो जाएगा। 1900 यूजर्स ज्वाइन कर चुके हैं, और एक नहीं भाई 2-2 यूजर्स मेरे नाम पर फेक चैनल क्रिएट किए, उससे आप दूर रहिएगा। जो मेन चैनल है भाई यहाँ पर आप देख सकते हो, यही मेरा मेन चैनल है। तो भाई यहाँ पर हम लोग कबड्डी और यहाँ पर क्रिकेट सब कुछ यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो यहाँ पर आप जान लीजिएगा भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो आपको पूरे यहाँ पर 6 ग्रैंड लीग टीम के साथ साथ एक मेन टीम मिलेगा भाई, इस सब काफ़ी जीत सकते हो। तो यहाँ पर आज हमारे यूजर्स ने ग्रैंड लीग भी विन किया भाई, तो चलिए आपको स्क्रीन शॉट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको 3126 स्पॉट्स में यहाँ पर मेरा 11th रैंक था। कल जो मैचेस था भाई यहाँ पर 50-55 के रैंक थे, तो आज यहाँ पर इंप्रूवमेंट देख लीजिए, यहाँ पर 11th रैंक है भाई। यहाँ पर देख सकते हो हमारे यूजर ने
कम स्पॉट्स था 2000 के, तो एक एक 20 रुपये की एंट्री फी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे यूजर ने फर्स्ट रैंक भी ले लिया। तो अगर आपको भी जीतना है इस प्रकार तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा भाई, यहीं पर आपको मैं जिताऊंगा। उसके बाद देख लीजिए भाई काफ़ी यहाँ पर 27,000 स्पॉट्स पर यहाँ पर आपको 201 रैंक आए, तो यहाँ पर यूजर बहुत खुश है। यहाँ पर 290 रैंक है भाई यहाँ पर 1500 स्पॉट्स पर, तो यहाँ पर हमारे लिए बैड लक है। लेकिन यहाँ पर इनको जो हारा भाई यहाँ पर अगर ये 1038 पॉइंट्स वाले अगर यहाँ पर टीम लगाते तो रैंक वन आ सकता था, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। उसके बाद यहाँ पर 25 रुपये एंट्री में भाई यहाँ पर ये जो है यहाँ पर भी हमारे यूजर्स, तो देख सकते हैं भाई मैंने पूरे 6 टीम दिए, 6 के 6 टीम में यहाँ पर मैं सारे टीम को विनिंग पे रखा। सबसे बड़ा मोटो वह रहता है कि आप ग्रैंड लीग भी नहीं जीत रहे हो कोई बात नहीं, आप जो 6 टीम दे रहे हो 6 टीम कितना रैंक पे ये मैटर करता है। तो उसके बाद देख लीजिए भाई हमारे यूजर ने 1038 पॉइंट्स के साथ 21 रैंक पे रहा, तो यहाँ पर बैड लक है ना, तो यहाँ पर ये ग्रैंड लीग भी जीत सकते हैं। एक प्लेयर की मिस्टेक्स की वजह से यहाँ पर हम लोग हार गए, नहीं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारे यूजर ने 52 रैंक आए। तो भाई यहाँ पर आपको मैं जिताऊंगा, आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन आपको क्या करना, मेरे टेलीग्राम चैनल को कंटिन्यू फॉलो करना भाई, एक मैच से मुझे जज मत करना। अगर आप एक मैच पे मुझे जज करोगे तो आप ही को नुकसान होगा। मैं आपको ग्रैंड लीग पे रैंक वन पक्का लाऊंगा भाई। कल मैंने पूरा 150-200 का रैंक था, तो मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको मैं रैंक वन पे नहीं तो रैंक वन रैंक 11 पे ले आया। अब बहुत जल्द आपको यहाँ पर मैं रैंक वन पे लेकर आऊँगा। ये सारे विनिंग्स आप देख सकते हो, पूरे ग्रैंड लीग की विनिंग है भाई। आपको भी जीतना है तो टेलीग्राम चैनल पर आ जाए, आपको मैं विन करवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो भाई यहाँ पर आपको 2-3-8 प्लेयर को पिक कर चुके हैं, अभी भी 3 प्लेयर को पिक करना। वो 3 प्लेयर कौन है चलिए देख लेते हैं। तो लुंगी एनगिडी यहां पर मैं ले रहा हूं। उसके बाद बैट्समैन सेक्शन पे भाई आपको मैक्स को दाऊद को ले लीजिए, एक काफी अच्छे प्लेयर है। ऑलराउंडर सेक्शन पे भाई यहां पर वैन बैक है, बहुत प्लेयर्स है, लेकिन यहां पर आपको मैं फ्रैड क्लासन को आपको लेने के लिए सलाह दूंगा। तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन पे किसको लेना चाहिए, तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे थोड़ा सा हट के मैं बास्ट लेडी को ले रहा हूँ। वाइस कैप्टन पे भाई रिली रोसो को यहाँ पर मैं पिक कर रहा हूँ। तो पहले मैं इस टीम को सेव कर लेता हूँ, हमारी छठा ग्रैंड लीग टीम सेव हो रहा है भाई, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छठा ग्रैंड लीग टीम हो गया, तो पहले टीम्स अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर मैं एक विकेट कीपर ले रहा हूँ क्विंटन डिकॉक, 3 बैट्समैन रिली रोसो, डेविड मिलर, मैक्स वो दौदे। यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में वेनी पार्नर, बास दिलेडी है। गेंदबाजी में भाई वैन मैकरन, कागेश्वर अबड़ा, लुंगी एनगिडी, एंड्रिस नॉटिजर, फ्रेड क्लासन है। तो कैप्टन पे भाई यहाँ पर आपको बास दिलेडी और रिली रोसो, यहाँ पर वाइस कैप्टन है। तो ये जो टीम है हमारी छठा ग्रैंड लीग है टीम है। तो पहला ग्रैंड लीग टीम आप देख लीजिएगा भाई, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 2 विकेट कीपर है क्विंटन डिकॉक, स्कॉट एडवर्ड्स है। उसके बाद बैटिंग सेक्शन में रिजा हेनरिक, रिली रोसो, मैक्स वो दौदे। और यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में वेनी पार्नर, कोलिन एक्रीमन, लॉरेन बैनबिक है। और गेंदबाजी सेक्शन में वैन मैकरन, कागेश्वर अबड़ा, लुंगी एनगिडी है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे भाई रिली रोसो और वैन मैकरन है। तो भाई ये जो टीम है मेरा पहला ग्रैंड लीग टीम है। अगर दूसरा ग्रैंड लीग टीम की बात किया जाए तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे क्विंटन डिकॉक, स्कॉट एडवर्ड्स है। ऑलराउंड बैटिंग सेक्शन पे रिजा हेनरिक, अभी तक तो मौका नहीं मिला, तो मैं चाहता हूं कि इनको मौका मिले, क्योंकि यहां पर एक अच्छा प्लेयर है, काफी अच्छे खेलते हैं। क्विंटन डिकॉक भले यहां पर अच्छा नहीं खेल रहे लेकिन इनको टीम में रखना पड़ेगा। रिजा हेनरिक्स को भी यहां पर टेम्बा मोबा की जगह अगर इनको ओपनिंग मिलेगा तो अच्छा रहेगा। एडन मराक्रम और मैक्स वो दौदे भाई यहां पर, वेनी पार्नर, कोलिन एक्रीमन और लॉरेन बैनबिक है यहां पर ऑलराउंडर सेक्शन पे। गेंदबाजी में वैन मैकरन, कागेश्वर अबड़ा, एंड्रिस नॉटिज है। तो भाई अभी तक परफॉर्मेंस कागेश्वर अबड़ा का अच्छा नहीं रहा, तो मैं वाइस कैप्टन ले रहा हूं, क्विंटन डिकॉक को मैं यहां पर कैप्टन बना रहा हूं। ये मेरा दूसरा ग्रैंड लीग टीम है। अगर तीसरा ग्रैंड लीग टीम की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं यहां पर क्विंटन डिकॉक है। बैट्समैन सेक्शन में रिजा हेनरिक, रिली रोसो, डेविड मिलर, एडन मराक्रम, मैक्स वो दौदे। रिजा हेनरिक्स अभी तक एक भी मैच नहीं खेले, अगर थोड़ा कुछ हटके टीम बनाती है तो रिजा हेनरिक्स को मौका मिल सकता है। वेनी पार्नर और बस दिलेडी यहां पर ऑलराउंडर सेक्शन पे भाई, यहाँ पर वैन मैकरन, तरबेज शमसी, यहाँ पर टॉम प्रिंगल है। तो यहाँ पर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन पे मैक्स वो दौद और यहाँ पर वाइस कैप्टन पे डेविड मिलर है। तो यहाँ पर रिजा हेनरिक्स किस जगह, तो यहाँ पर स्टब्स जो प्लेयर है भाई उनकी जगह यहाँ पर रिजा हेनरिक्स को लेना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस है, ओपनर प्लेयर है, तो इनको आप मिडिल ऑर्डर पर भी यूज कीजिए, ये प्लेयर कुछ कमाल कर सकता है। तो ये तीसरा ग्रैंड लीग टीम है भाई यहाँ पर। अगर चौथा ग्रैंड लीग टीम की बात किया जाए तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर क्विंटन डिकॉक, विकेट कीपिंग सेक्शन पर बैट्समैन पर रिली रोसो, डेविड मिलर, स्टीफन माइबर्ग और यहाँ पर एडन मराक्रम है। ऑलराउंडर सेक्शन पर और नेदरलैंड्स ऑलराउंडर है कोलिन एक्रीमन, लॉरेन बैनबिक, बास लेडी है। गेंदबाजी में वैन मैकरन, लुंगी एनगिडी, एंड्रिस नॉटिज है। तो एडन मराक्रम यहां पर कैप्टन है, वाइस कैप्टन पर एंड्रिस नॉटिज है। मेरा चौथा ग्रैंड लीग टीम है भाई यहां पर। अगर पांचवा ग्रैंड लीग टीम की बात किया जाए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर क्विंटन डिकॉक यहां पर विकेट कीपिंग पे, बैट्समैन पर रिजा हेनरिक्स, रिली रोसो, डेविड मिलर है। 3 अफ्रीकन बैट्समैन है, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन, वेनी पार्नर ऑलराउंडर एक्सपीरियंस के लिए ले रहा हूं, कोलिन एक्रीमन, लॉरेन बैनबिक, बास लेडी है भाई यहां पर। गेंदबाजी में लुंगी एनगिडी, एंड्रिस नॉटिज, फ्रेड क्लासन है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे आपको यहां पर बास लेडी कैप्टन है और यहां पर आपको रिली रोसो यहां पर वाइस कैप्टन है। तो भाई यहां पर आप देख सकते हो हम 6 के 6 ग्रैंड लीग टीम आपको दिखा दिया, क्योंकि छठा ग्रैंड लीग टीम आपको मैंने लाइव बना के दिखाया था। तो भाई कल एक नहीं पूरे 3 इंटरनेशनल मैचेस खेला जाएंगे, साउथ अफ्रीका, नेदरलैंड, उसके बाद भाई यहां पर पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश, और तीसरा जो टीम बनेगा भाई यहां पर इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे। पूरे आपको यहां पर पूरे 3 मैच में आपको 6 ग्रैंड लीग टीम के साथ साथ एक मेन टीम मिलने वाला है भाई। ये सारा अपडेट्स पाने के लिए आपको अपडेट रहना बहुत जरूरत है। इसके साथ साथ भाई यहां पर
कबड्डी का भी प्रेडिक्शन दिया जाएगा। कल कबड्डी यहाँ पर एक नहीं भाई पूरे बहुत सारे मैचेस खेला जाएंगे। उगांडा मेंस कबड्डी में हम लोग अल्ट्रा क्लीनशिप कर रहे हैं, तो उगांडा मेंस कबड्डी लीग का पूरे 3 मैचेस होने वाले हैं। इसके साथ साथ उगांडा वुमेंस कबड्डी लीग का यहाँ पर आपको 1 मैच खेला जाएगा, तो 4 मैच है। उसके बाद वीवो प्रो कबड्डी का 2 मैचेस, पूरे 6 कबड्डी मैचेस कवर किया जाएंगे। इसके साथ साथ 3 इंटरनेशनल मैचेस रहने वाले भाई, यहाँ पर पूरे 9 मैचेस कवर किया जाएंगे। 9 मैचेस में भाई आपको 6 ग्रैंड लीग टीम के साथ साथ एक मेन टीम मिलने वाला है। ये सारा अपडेट्स पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करके रख लेना, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।